गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्चर्ड या उद्यान की स्थापना। उद्यान की स्थापना करना लगभग अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ने जाएंगे पौधरोपण की विधियां, पौधे कैसे लगाएं। पौधरोपण की विधियों से पहले अपन ने गड्ढे का आकार पढ़ा था, पौधे से पौधे की दूरी पढ़ी थी, कितनी दूरी काम में लेनी है, कितना गड्ढे का आकार होना चाहिए। और उसके बाद अपना मेथड था स्क्वायर मेथड और रेक्टेंगुलर मेथड। स्क्वायर मेथड में अपन ने यह पढ़ा था कि चार पौधे मिलकर के एक वृक्ष का निर्माण करते हैं तथा इसमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी बराबर रखी जाती है। आयताकार विधि में अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें चार पौधे मिलकर के एक आयत का निर्माण करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी अधिक होती है अपेक्षा कतार से कतार की दूरी से, और इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 10% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। आज अपनी तीसरी विधि है विकिरण विधि या पूरक विधि। इसको क्योंकल्स विधि के नाम से भी जाना जाता है। यदि अपन आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम या एग्जाम में अपन को लिखना होता है तो सबसे पहले विशेषताएं लिखनी होती हैं, तो सबसे पहले अपन चलेंगे विशेषता। विशेषता में सबसे पहले ये विधि वर्गाकार विधि के जैसी है, ये विधि वर्गाकार विधि के समान। नंबर दो, परंतु एक पौधा बीच में लगाया जाता है। एक पौधा बीच में लगाया जाता है जिसे पूरक पौधा कहा जाता है। अब बच्चों पूरक पौधा क्या है, तो ये बात अपन नोट में पढ़ेंगे। वह पौधा जो सीधा बढ़ने वाला हो, यानी कम फैलता हो, तथा कम समय में उपज देता, पूरक पौधा कहलाता है। ऐसा पौधा जो एकदम से सीधा बढ़ता हो, यानी कम फैलता हो, इस प्रकार से दूसरे पौधों को डिस्टर्ब कम करता हो और कम समय में या लगभग 12 महीने 1.5 साल में उपज दे देता हो, ऐसा पौधा पूरक पौधे के नाम से जाना। दुनिया के सबसे बढ़िया उदाहरण पूरक पौधों में केला, कडेली के नोट, मुर्शा, पेराडेसिका बोलेंगे इसको, और दूसरा है पपीता। पपीता को पढ़ेली के लोग गेरी का पपाया बोलते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ेली के लोग, आप भी गेरी का पपाया बोलोगे। पपीता का वानस्पतिक नाम होता है गेरी का पपाया और केले का वानस्पतिक नाम होता है मुशा पेराडिश। अब बच्चों ये विशेषताएं होगी। अब अपन पढ़ें कि किस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। तो अपन ने पहले वर्गाकार विधि के बारे में पढ़ा था। वर्गाकार विधि के बारे में ये पढ़ा था कि चार पौधे
चारों कोनों पर लगाए रहते हैं और चारों पौधे मिलकर के एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, चार पौधे मिलकर के वृक्ष बनाए ऐसे। ये चार पौधे एक वर्ग बना रहे, तो एक पौधा इनके, अब ये चार पौधे जो वर्ग बनाएंगे इनको तो कहा जाएगा मुख्य फसल। या मुख्य पौधे, जैसे मान लीजिए मैन क्रॉप अपनी मैंगो है, आम है। अब एक पौधा जो बीच में लगेगा इसको कहा जाएगा पूरक पौधा, फिलर प्लांट। और सारे पौधे इस प्रकार से लगेंगे, चारों कोने पर चारों पौधे मिलकर के वर्गाकार विधि बनाएंगे। और एक पौधा इनके बीच में लगाया जाएगा। इस पौधे को किस नाम से जानेंगे अपन? पूरक पौधे के नाम से जानेंगे। अब बच्चों कुछ दिनों के बाद, यानी चार पांच साल के बाद ये विधि भी वर्गाकार विधि बन जाती है, क्योंकि अब पपीता का पौधा है लगभग 3 से 4 साल तक वो उत्पादन देगा, केला का पौधा तो एक बार ही उत्पादन देगा। तो इनको फिर रिमूव करते हैं, या जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे ही मुख्य फसल उत्पादन प्रारंभ कर देती है, आम के पौधों पर आम लगने प्रारंभ हो गए, तो अपन इन पूरक पौधों को रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। तो अंत कौन सी विधि बन गई? वर्गाकार विधि बन गई। एक बार फिर से सुन लीजिए, विकर्ण या पूरक विधि में चार पौधे, ये विधि वर्गाकार विधि के समान है, चार पौधे मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं, परंतु एक पौधा बीच में लगाया जाता है जिस पौधे के ऊपर पूरक पौधे के नाम से जानते हैं। पूरक पौधे का मतलब होता है ऐसा पौधा जो सीधा बढ़ने वाला हो, शीघ्र उत्पादन देता हो, रकम फैलता हो, ऐसे पौधों को पूरक पौधे के नाम से जानते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण बनाना और पपाया है। बनाना का साइंटिफिक नेम है वो मूसा पेरेडेसिका होता है, और पपाया का केरिका पपाया होता है। अब बच्चों यदि इस विधि के अपन लाभ पढ़े, इस विधि के लाभ क्या है, तो एक तो अपन कह सकते हैं कि उत्पादन अतिशीघ्र प्राप्त होता है। और उत्पादन अतिशीघ्र प्राप्त कैसे हुआ? मान लीजिए आम के पौधे, तो आम के पौधों के ऊपर जो वास्तविक फलन है, तो पौधे लगाने के लगभग 3.5 से 4 साल के बाद प्राप्त होता है, जो मैन क्रॉप अपनी थी। परंतु पपीता में कब? 12 महीने, 1.5 साल केला और पपीता में। तो अपनी कह सकते हैं कि एडिशनल जो इनकम है, अतिरिक्त आमदनी है, यह अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाती है। दूसरा अपन कह सकते हैं वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुने पौधे लगाए जा सकते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुने पौधे लगाए जा सकते हैं, है ना। जैसे अपनी ये कहें कि वर्गाकार विधि होती तो 4, 6, 8 के बीच में 3 पौधे और आ रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि लगभग 2 गुने, पूरे 2 गुने तो नहीं, परंतु लगभग 2 गुने की संख्या अपन दे सकते हैं। हानियों की यदि अपन चर्चा करें, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तो उद्यान आदि करना हो जाता है ना, परंतु करना तभी होगा जब अपन मैन क्रॉप की फ्रूटिंग स्टार्टिंग के बाद अपन फिलर क्रॉप को रिमूव नहीं करेंगे,
फिर भी अपने कह सकते हैं ध्यान अधिक घना हो जाता है तो हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, परंतु उतना घना नहीं होता जितना अन्य अपन हेक्सागोनल मेथड विकिरण त्रिभुजाकार विधि को पढ़ेंगे उतना नहीं होता। अब एक बार आपको मैं सुन लीजिए, अपनी पौधरोपण की विधियों में तीसरी विधि है ये, पहली विधि वर्गाकार विधि थी, दूसरी आयताकार विधि थी, तीसरी पूरक विधि है। पूरक विधि में चार पौधे मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं, एक पौधा बीच में लगाया जाता है जिस पौधे को पूरक पौधे के नाम से जानते हैं। या आप नहीं कह सकते हैं कि ये विधि वर्गाकार विधि की तरह ही है, अंतर केवल इतना है कि एक पौधा बीच में लगाया जाता है जिस पौधे को पूरक पौधा कहा जाता है। पूरक पौधे की विशेषता, ऐसा पौधा कम समय में उपज देता हो, सीधा बढ़ने वाला हो, कम फैलता हो, ऐसे पौधों को पूरक पौधे के नाम से जानते हैं। उदाहरण में अपन ने पढ़ा केला और पपीता पूरक पौधे का सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसके बाद तीसरी विशेषता में, जैसे ही मुख्य क्रॉप मुख्य फसल से उत्पादन प्रारंभ हो जाता है तो पूरक पौधे को उठा दिया जाता है। जैसे ही मेन क्रॉप से फ्रूटिंग स्टार्ट हुई तो अपन फिलर प्लांट को रिमूव कर देंगे, पपीता और केले के पौधे को उठा देंगे जैसे आम के पौधे पर फलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद इस विधि के अंदर लगभग वर्गाकार विधि से दोगुने पौधे आ सकते हैं, दोगुने पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद अपने लाभ पड़ा, लाभ पड़ा तो उत्पादन अति शीघ्र प्रारंभ होता है, एडिशनल इनकम हो जल्दी मिलने लगती है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दोगुने पौधे लगाए जा सकते हैं। हानियों में अपन ने पढ़ा कि उद्यान करना हो जाता है तो कभी कभी हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन जैसे फलों की तुड़ाई करना है, स्प्रे करना है, निडाई गुड़ाई करना है, इरीगेशन करनी है, इनमें कभी कभी हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन उद्यान की क्रियाओं में दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे त्रिभुजाकार विधि और षटभुजाकार विधि, ट्रायंगल और हेक्सागोनल मेथड। धन्यवाद।